नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। हम बताएंगे आपको शहर का हाल, बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन में आज महाकाल पुलिस थाने के सामने महाराजवाड़ा स्कूल के पास खुले मैदान में खड़ी कार से 8 मोबाइल और एक पर्स चोरी हो गया। बदमाशों ने कार का कांच फोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के श्रद्धालु कार में मोबाइल और पर्स रखकर महाकाल मंदिर दर्शन करने गए थे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर दर्शन करने आए इंदौर के श्रद्धालुओं के साथ चोरी की घटना हुई है। दरअसल इंदौर के करीब एक दर्जन श्रद्धालु दो कार से उज्जैन पहुंचे थे। महाकाल पुलिस थाने के पास महाराजवाड़ा स्कूल के खुले क्षेत्र में उन्होंने कार पार्क की। महाकाल मंदिर समिति के नियम के अनुसार मंदिर में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए सभी श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल कार में ही रख दिए। जब श्रद्धालु महाकाल मंदिर दर्शन कर लौटे तो कार का ग्लास फूटा हुआ था और करीब 8 मोबाइल व एक पर्स चोरी हुआ था। हालांकि महाकाल मंदिर समिति ने लॉकर की व्यवस्था की है। मोबाइलों की कीमत काफी अधिक बताई जा रही है। श्रद्धालुओं ने थाना महाकाल में केस दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस अब CCTV खंगाल रही है। खास बात यह है कि कार महाकाल थाने के सामने ही पार्क की गई थी और ऐसे में चोरी की वारदात होना चोरों के हौसले बयां कर रही है। इसमें खास बात यह भी है कि महाकाल विस्तारीकरण के कार्यों के चलते पूरा क्षेत्र खुला और अस्त व्यस्त है, इसलिए CCTV फुटेज मिलना भी मुश्किल है। हम इंदौर से आए हैं, महाकाल जी के दर्शन करने आए थे और वापस लौट कर आए तो हमारी गाड़ी का कांच फूटा हुआ था और 7 से 8 मोबाइल हमारे चोरी हो गए। एक पर्स चोरी हो गया पैसे का, जिसमें 1200 रुपए रखे थे। हम 12-13 जने थाने के पास में खड़ी करी थी। थाने के सामने से चोरी हो गई, यहाँ से चोरी हो गई। ये यहाँ पे हुआ और वो 7 मोबाइल गए हमारे और एक पर्स गया, पैसे थे उसमें। हाँ, यहाँ खड़ी करी थी पार्किंग में।